हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन कैसा रहा आपका ट्रेडिंग का? और इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि हम सारे सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि जिन सेक्टर्स में ब्रेकआउट आया है उनमें लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन दो सेक्टर्स इन द एंटायर डे। पूरे दिन में उन सेक्टर्स में क्या हुआ है, दो ब्रेकआउट सस्टेन्ड और इट डिड नॉट सस्टेन, राइट? ये बात करेंगे। और दूसरी बात जो हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मेटल सेक्टर पॉजिटिव है तो निफ्टी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आज आप देखिए मेटल जो है 1.42% ऊपर था और जैसे निफ्टी ने शुरुआत की थी निफ्टी मेड अ ओपन इक्वल टू हाई कैंडल। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ निफ्टी, देखिए निफ्टी ने सुबह खुलने के साथ ये कैंडल बनाई थी, दिस कैंडल वाज फॉर्म्ड, और उसके बाद निफ्टी ने नीचे गिरना शुरू किया। बट क्योंकि मेटल सेक्टर बहुत पॉजिटिव था, आई जस्ट शो यू उसके बाद क्या हुआ, मेटल सेक्टर जो है निफ्टी को ऊपर लेके गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग आपको, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी आपको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते बिकॉज ये एक्सपीरियंस की बात होती है। If you connect to sectors, study them on a regular basis and understand कि आप ये देखो कि कौन सा सेक्टर की वजह से निफ्टी में एक बाउंस आता है, ये कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सपोर्ट करता है, या कौन सा ऐसा सेक्टर है जो रिटार्ड करता है, तब आपका एक अपनी ओपिनियन बनती है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर देखते हैं तो निफ्टी मेटल का बहुत सपोर्ट रहता है निफ्टी को। तो आज निफ्टी मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आप देखिए ये निफ्टी मेटल की कैंडल थी, उसके बाद ऑल्दो निफ्टी मेटल ने अपने ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं किया, 15 मिनट के बाद इट जस्ट स्टॉप गोइंग अप, बट स्टॉक्स चल रहे थे, उस हिसाब से स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा था। जैसे VDL में ब्रेकआउट आया, टाटा स्टील में ब्रेकआउट आया, JSW स्टील में ब्रेकआउट आया, बट ऐसा नहीं था कि सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू हियर इज कि अगर मेटल सेक्टर पॉजिटिव है तो वो निफ्टी को अपने साथ ऊपर लेके जाए। अब हम एक एक करके सारे सेक्टर्स को देखते हैं कि आज सेक्टर्स में क्या हुआ। सो ये आपके सामने निफ्टी मेटल है और निफ्टी मेटल का 15 मिनट का चार्ट है। ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट इज वन डे चार्ट। गैप अप ओपनिंग दी और जो फर्स्ट कैंडल है विद इन दैट ओनली द मार्केट क्लोज्ड। उसके बाद एनर्जी एक ऐसा सेक्टर था जिसने चलना शुरू किया और पूरे दिन चलता रहा। इंफ्रा ऑल्सो गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। CPSE, MNC also gave a very beautiful breakout. FMCG to an extent was good. Reality wasn't good. It opened gap up and then came down and hence it formed a doji. Nifty mid cap gap up opening दी, उसके बाद ऊपर जाके और फिर उसके बाद ये लगातार range bound रहा। This is Nifty CNX 500. CNX 500 में भी buying आई है lower level से, पहले नीचे गिरा है फिर लोअर लेवल से बाइंग आई है। बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सेम सिचुएशन बनी है, एक दोजी फॉर्मेशन हुई है और नीचे गिरने के बाद एक बाउंस आया है, अच्छा बाउंस आया है। बैंक निफ्टी को भी क्विकली देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी लुक्स मोर बेरिश। आप देखो बैंक निफ्टी में हैवी द वेट इज हैवी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आप कल की बात करते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, What I can see, I'll show you here. ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। यहाँ आप नोटिस करिए कि सबसे पहला रेजिस्टेंस निफ्टी को लगेगा 18,777 पे, जो पास्ट बैरियर है। एक बार वो रेजिस्टेंस क्लियर हो जाता है तो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो है, ऑलमोस्ट लाइक 200 पॉइंट्स के ऊपर है, एट 110 पॉइंट्स के ऊपर है, एट 18,890। यहाँ पे आपको दूसरा रेजिस्टेंस है, तो मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, आई थिंक बैंक निफ्टी इज ऑन अ वेरी सीरियस नोट। वो इसलिए कि एक तो बैंक निफ्टी ने अपने चैनल को ब्रेक किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंक निफ्टी एक डबल टॉप लगा के आई है, ये डबल टॉप, और यहाँ पे एक सपोर्ट है, 43,862 का। आप बैंक निफ्टी को शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो भी आप देखते हैं Below 43,862 there can be a big fall that can happen, क्योंकि जो निफ्टी बैंक निफ्टी है बहुत स्ट्रगल कर रही है। आज केवल एक ही रीजन था कि बैंक निफ्टी नीचे नहीं गई है, रीजन केवल ये था कि निफ्टी जो थी पॉजिटिव थी, राइट। निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट था, लोअर लेवल से बाइंग गई थी, बट बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। और इसको देख के मुझे लगता है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट बैंक निफ्टी में गिव अ ब्रेकडाउन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर हम बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम की, तो मंथली टाइम फ्रेम में भी एक इनसाइड डोजी बन रही है बैंक निफ्टी के अंदर, और लो उसका है 43,700 का। सो ये 43,700 एक बहुत क्रूशियल लेवल है। किसी भी समय अगर बैंक निफ्टी उसके नीचे जाती है तो आपको कम से कम यहाँ से 500-600 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। As I told you earlier कि मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो हुआ है वो ये हुआ है कि वन डे में बैंक निफ्टी ने इस लॉन्ग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अब थोड़ा केयरफुली आपको रहना पड़ेगा। बिलो 43,700 वी मे एक्सपेक्ट अ ड्रॉप टिल अबाउट समवेयर अराउंड दिस पॉइंट। यहाँ तक आपको कहीं पे 43,000 तक का ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस है अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी लुक्स स्ट्रॉन्ग बट एट द सेम टाइम लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो, बिकॉज आज निफ्टी ने डोजी फॉर्मेशन किया है, ऊपर खुल के नीचे आई और फिर ऊपर जाके बंद किया है, तो स्टांस पॉजिटिव है बट बैंक निफ्टी का स्टांस बहुत वीक है। इन स्पाइट ऑफ मूव इन द निफ्टी, बैंक निफ्टी डिड नॉट बज, इट डिडंट मूव। यू नो, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि जरा सा भी अगर एक ट्रिगर मिलेगा, एक छोटा सा ट्रिगर जो है बैंक निफ्टी को नीचे ले जा सकता है। एक और चीज आप नोट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी ओपन इक्वल टू हाई था, निफ्टी में भी ओपन इक्वल टू हाई था, बैंक निफ्टी में भी ओपन इक्वल टू हाई था। निफ्टी ने अपने ओपन इक्वल टू हाई को ब्रेक करा बट बैंक निफ्टी ने अपने लो को ब्रेक करा है, फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करा है। मेरे हिसाब से एक बहुत साइन है बहुत वीकनेस का, और बिलो 43,862 हमको 43,700 के टारगेट्स मिलेंगे, और बिलो 43,700 हमको 43,000 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि कल ही मिलेंगे, इस महीने के एंड तक हो सकता है आपको 43,000 तक के टारगेट देखने को मिल जाए। तो ये मेरी एनालिसिस थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। एक जल्दी से, क्योंकि कल एक्सपायरी है, क्विकली हम लोग ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। निफ्टी में अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है आज के दिन, राइट। तो इसका यही मतलब है कि निफ्टी इज ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेस। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में इन द मनी जाके कॉल राइटिंग हुई है, 44,000 पे कॉल राइटिंग हुई है, और ये एक अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब है कि कल के दिन हो सकता है बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे आके एक्सपायर हो। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। जब आपको इन द मनी कॉल राइटिंग दिखती है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कॉल राइटर्स बिलीव कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 44,000 के ऊपर ही के आसपास ही होगी, और वो लोग ये 155 रुपीस का प्रीमियम दे वांट टू ईट। सो जस्ट कीप अ वॉच ऑन इट। अगर आपको यहाँ पे कॉल राइटिंग और बढ़ती हुई दिखाई दे या अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे, वहां से आप मार्केट की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कल के दिन थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिए, एक दो दिन थोड़े बहुत डेलिकेट और फ्रेजाइल डेज है, बहुत सारी न्यूज इनफ्लो होने वाली है, तो जरूरी नहीं है। इन दिनों में क्या होता है, हम अपना सारा पैसा जीरो कर देते हैं। सो जब बहुत न्यूज का समय हो, स्टैंड आउट एंड वॉच द मार्केट। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।